थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहोगी, पीछे क्या प्रेरणा रही, कैसे शुरुआत की आपने? तो मेरा एजुकेशन कंप्लीट हुआ 2015 में, मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैं डॉक्टर प्रदीप जोशी, इनके पास मैंने एक दो साल काम किया। पार्ट टाइम करते करते मैंने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी की और नीट के थ्रू मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मिल गई कॉलेज में एडमिशन। उस पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मैं इनके क्लिनिक में, डॉक्टर उदयवी शक्ति क्लिनिक में मैं आई और सर ने मुझे काफ़ी कुछ जो मैंने किताबों में पढ़ी हुई थी वो सारी चीज़ें मुझे सर के पास एक्चुअल में करने को मिली। तो उनकी वजह से मेरा और ज़्यादा नॉलेज और जो क्लिनिकली जो हम करते हैं हर एक टेक्नोलॉजी और हर एक एडवांस चीज़, उससे मैं काफ़ी वाकिफ हो गई और वही चीज़ मैं अपने क्लिनिक में भी लाना चाहती हूँ। यही मेरी इच्छा है आगे जाके, क्योंकि अभी डेंटिस्ट्री काफ़ी बदल गया है। पहले जैसे हम माप वो सब नहीं लेते, अभी पूरा डिजिटल हो गया है। तो मेरा भी यही है विजन कि मैं भी अभी डेंटिस्ट्री में पूरा रेवोल्यूशनरी लाऊं, डिजिटल सब करूं, यही है। सर आप क्या बोलना चाहते हैं? सर आपके स्टूडेंट आदित्य वर्मा मुकाम पे पहुंच रही है, पेपर पे खड़ा होना चाहिए। हाँ जी, तो डॉक्टर अभी डॉक्टर भाग्यश्री मेरे साथ काम किया है एंड शी इज काम, उसका हाथ भी एकदम अच्छा है, पेशेंट्स के साथ बात करने का तरीका अच्छा है, प्लस वो जल्दी सीख भी लेती है, सो उसको कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा है, तो फिर वो उसका प्रैक्टिस में भी वो दिखता है जब क्लिनिक पेशेंट के सामने जब प्रैक्टिस करती है। तो सो आई विश हर ऑल द वेरी बेस्ट फॉर हर न्यू फ्यूचर। भाग्यश्री जी आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने आज न्यू वेंचर भाग्यश्री की डेंटल क्लिनिक का ओपनिंग किया है, इस डेंटल क्लिनिक में क्या आम मरीजों के लिए क्या सुगमेशन रेट रहेगा और उनको राहत मिलेगी जी? जो यहाँ पे जो भी ट्रीटमेंट लेने आएंगे, आई विल मेक श्योर दैट द ट्रीटमेंट विच इज़ डन शुड लास्ट लॉन्ग। ऐसे नहीं कि कोई भी ट्रीटमेंट करो और एक दो साल में वो ट्रीटमेंट फेल हो जाए। अभी हर एक इंसान का वो खुद का कैपेसिटी रहता है, वो अलग बात है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि सामने वाला पेशेंट जितना जो भी मैं करूँ वो लास्ट उनको काफ़ी हद तक रहे। एक टीथ के पेशेंट को स्पेशल क्या है ट्रीटमेंट मिलेगा, क्या खासियत है, क्या सर्विसेज है आपके हैं? जी यहाँ पे मेरे पास सब जो कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट है, क्राउन्स है, विनियर्स है जो हम बोलते हैं, स्माइल डिजाइनिंग का है, वो सब करना है, वो सब करती हूँ मैं। और जो भी अभी जो भी जैसे मैंने कहा डिजिटल डेंटिस्ट्री, तो मैंने लैब से बात करके उनसे स्कैनर भी रेंट पे लेके काफ़ी स्कैनिंग जो है वो सब करूँगी मैं। रॉनी जी के बारे में क्या कहेंगे, पार्टी इतना से उन्होंने होस्ट की है? रॉनी सर इज़ लाइक अ सरप्राइज टू मी, उन्होंने काफ़ी बड़ा सरप्राइज दिया है मुझे एंड हिज ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी विथ मी। और आई मिस हिम एक्चुअली, वो आने चाहिए थे यहाँ पे पर वो कुछ कारणों की वजह से नहीं आ पाए। बट थैंक यू सो मच रॉनी सर, आपने इतना सब अरेंज किया, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। एक क्वेश्चन है आपसे, आज के बच्चे हैं सीनियर सिटीजन है जी, मीडियम जो एज है लोग का है, तो उनके लिए दांतों के लिए क्या ट्रीटमेंट है, किस तरीके से आप उनको मैसेज देना चाहेंगे? जी पहले तो जो यंग बच्चे हैं अभी बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल और सब स्ट्रेस के कारण उनका काफ़ी जो इश्यूज़ जो पहले बूढ़ों में आते थे वो अभी अर्ली एज में दिखते हैं, जैसे कि कैविटीज़, इवन गम ट्रीटमेंट, जो भी गम के इश्यूज़ है वो काफ़ी ओल्ड एज पीपल में दिखते थे, अभी न्यू यंग लोगों में दिख रहे। तो उनके लिए तो मेरा तो फर्स्ट है कि अवेयरनेस स्प्रेड करना, उनको एडुकेट करना कि कैसे आप अपने मसूड़ों को, अपने दांतों को कैसे आप अच्छे से रखोगे, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जैसे एक्चुअली जो बोलते हैं ना, डेंटिस्ट्री एक्सपेंसिव नहीं है लेकिन आपका नेग्लिजेंस एक्सपेंसिव है, तो आप अगर निगलेक्ट नहीं करोगे तो आपका डेंटल ट्रीटमेंट भी इतना एक्सपेंसिव कभी नहीं जाएगा। जी जो यंग लोग हैं उनके लिए पहला टिप तो ये है कि दो बार दिन में ब्रशिंग करना है, रात को सोने से पहले एक बार ब्रश करना है और सुबह एक बार, ठीक है। उसके साथ साथ डेंटल फ्लॉस भी यूज़ करना है। डेंटल फ्लॉस आजकल इंडिया में ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे, अगर बाहर प्रदेशों में जाए तो वहाँ पे फ्लॉसिंग इम्पॉर्टेंट रहता है डेली रूटीन, जो यहाँ पे इंडिया में होता नहीं है।
तो फर्स्ट इज स्टार्ट फ्लॉसिंग एंड ब्रश ट्वाइस डेली बिफोर स्लीप। सर आपसे क्लास क्वेश्चन है, जिस तरीके से भाग्यश्री ने ये नया एडवेंचर स्टार्ट किया है, आपके सामने इन्होंने प्रैक्टिस किया, इस अचीवमेंट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो अभी पेशेंस जो है आजकल यू नो डेंटिस्ट्री के ऊपर अभी काफ़ी ध्यान देने चालू किया है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दे डू दैट, बिकॉज पहले डेंटिस्ट्री का ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, तो अभी इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि साल में एटलीस्ट एक बार या दो बार डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए चेकअप के लिए एंड डेंटल ट्रीटमेंट करने के लिए। आजकल यू नो बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया की वजह से सब लोग को अच्छा स्माइल चाहिए, तो उन लोग दे वॉन्ट टू गेट कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट, सो कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट डन, काफ़ी कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट काफ़ी कुछ ऑप्शंस है करने के लिए और अच्छा दिखने के लिए बहुत कुछ ऑप्शंस है। अगर दांत में गैप्स होगा या दांत आगे पीछे है या तो दांत अगर मिसिंग है तो उसको रिप्लेसमेंट करने के लिए बहुत कुछ कॉस्मेटिक ऑप्शंस है वो करने के लिए, और ऑल दो वो सब ऑप्शन सब अवेलेबल है अभी मुंबई में, इंडिया में एक्चुअली। आपके पिताजी का कितना सहयोग रहा क्लिनिक को स्टार्ट करने में? जी वो तो मेन है मेरे पिताजी, सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो मेरे पिताजी ने ही किया है, और हर चीज़ों में लाइक इन एवरी थिंग, इवन मुझे मोटिवेट करने से लेके फाइनेंशियली एंड एवरी थिंग आई वुड से कि उनका सहयोग काफ़ी रहा है। उनके बिना तो आई डोंट थिंक आई वुड हैव बीन एबल टू यू नो स्टार्ट दिस क्लिनिक। एक लड़की अच्छा मैं एक बोलते क्वेश्चन है छोटा सा, ये तो ठीक है चलता है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए फॉर ऑडियंस, उसके लिए इंट्रोडक्शन दीजिए, और आप क्या करना चाहती हो, क्या मैसेज है, और आप यहाँ किस तरीके से लोगों को बुलाना चाहते हैं? So introduction, my name is Dr. Bhagyashree Bharkude, yes. And I have completed my graduation from Krishna Institute of Medical College from Karad in 2015. After that, after a year of internship, I started working with Dr. Pradeep Joshi sir for 1.5 years, and while doing my part-time job I was preparing for NEET, and I got through the NEET, and I am now a specialist in gum treatment and also in implantology. So I have placed implants in my patients, and after the my post graduation I have been working with Dr. Udaybi Shakti's Sir's clinic, where I have learned all the advances in implantology, and I have also learned about how there are various options in implants, there's no normal implants, but there are other implant techniques as well. So I have learned a lot from him, and my message to all the patients and everyone is that please do visit your dentist at least once in a year so that you can save your teeth, because your tooth is like a diamond and it should last till your end. Thank you. Joshi sir, and I have learned everything right from the root canals out, all the basics of the dentistry from him, and also how to maintain your patient relations with you, with the doctor and patient relation, how to improve, I have learned from him. And I'm blessed to have him as a mentor. Kya bolna chahte sir aap? Yeah, he was a very hard working and sincere student, and I wish her all the best in her future. Thank you. Clinic, and coincidentally I opened my clinic on 26 January itself, around 42 years back. So it's a very lucky day for me, and it will be the same for her. Yes. Thank you. Definitely. आज यहाँ पर जो डेंटल क्लिनिक का ओपनिंग हुआ है, दत्तात्रेय भारगुडे साहब जो पूर्व एसीपी रहे, और उनके बेटी जो भाग्यश्री, उनके लिए उनके पिताजी ने ये डेंटल क्लिनिक खोला हुआ है, और बेटी जो भाग्यश्री को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और साथ में ये पूरा इंटीरियर और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जिन्होंने बुलवाई है वो है मेरे बॉस सिनेवेस्टर के ओनर रोनी रॉड्रिक जी, उनके तरफ से भी मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ भाग्यश्री को, और मेरा मुंडे न्यूज चैनल के तरफ से भी, और मेरे सब पत्रकार बंधु जो आए हैं उनके तरफ से भी मैं भाग्यश्री को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सर आपकी तरफ से आएंगे तो कुछ डिस्काउंट वगैरह?
आपको किसी को तकलीफ है तो ज़रूर मुझे फ़ोन करें। मैं डिस्काउंट की बात छोटी सी बात है, मैं फ्री में करवा दूँ। डेंटल क्लिनिक ओपनिंग के दरमियान उन्होंने कहा मीडिया से कि हमारे अचीवमेंट के लिए का सारा क्रेडिट हमारे पिताजी को जाता है, जिनका एक मेहनत है कि आज जो उस मुकाम पे है। तो बेटी की सफलता के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ा शब्द है। भाग्यश्री शुरू से ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, स्टूडेंट थी, और उनका जो टैलेंट था, डेडिकेशन था टुवर्ड्स द स्टडी, इट वॉज़ वेरी गुड। तो उसके लिए वो उनका वो टैलेंट देख के मैंने उनको मेडिकल फील्ड में डाल दिया और सी उन्होंने वो तुरंत पूरा कर दिया है। बचपन से मेडिकल के प्रति रुझान था आपने? बचपन से ही मेडिकल में उनका ये था, लगाव था। एंड सी इज़ वेरी गुड डेंटिस्ट ऑल्सो, हर प्रैक्टिस इज ऑल्सो नाइस। सर एक मैसेज दीजिए हर बात के लिए कि बेटी भी बेटा जैसा ही होता, पढ़ाओ लिखाओ, यानी बेटे के पीछे पड़ते बहुत सारे लोग अभी भी। तो बाप होने के नाते बाकी के जो होते हैं पिता, जो बेटी को इतना कुछ तैयार मतलब नहीं मिल पाता है, उसे क्या मैसेज देना चाहते हैं? मुझे तो कभी बेटी और बेटा का फ़र्क कभी मालूम ही नहीं पड़ा, और बेटी ही सबसे अच्छी रहती है ये मुझे महसूस हुआ है। लोग बोलते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आजकल बहुत सारे लोग हैं कि बेटी होने पर बहुत लोग खुश भी नहीं होते हैं, बहुत लोग मतलब जिस आप तरह बहुत कम लोग होते हैं। नहीं, ये तो बहुत गलत है। मेरी बेटी ये तो डॉक्टर है, दूसरी डॉक्टर बेटी पायलट भी है, नाउ सी इज इन आयरलैंड, सो बोथ हैव डन वेरी गुड। आपको कितना प्राउड लग रहा है कि आप इस तरह की पापा मिला, आपको इतना सपोर्टिव मिला, हर बेटी को ऐसा फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता, कैसे आप फीलिंग रहे थे? मैं खुद को बहुत लकी समझती हूँ कि मुझे मेरे मॉम डैड दोनों भी इतने सपोर्टिव और सबसे इम्पोर्टेंट इतने स्ट्रॉन्ग है कि उन्होंने हर बात पे मुझे सपोर्ट किया है, हर बात पे मेरा साथ दिया है, मेरे हर डिसीजन को उन्होंने अच्छे से बोलते ना सराखों पे लेके ये किया है। तो आई एम वेरी प्राउड विद बेटी की इस अचीवमेंट सक्सेस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो बहुत करती है, ये अचीवमेंट वो डिजर्व करती है, वो बहुत टैलेंट है, ब्रिलियंट है, और उसका डेंटिस्ट्री में बहुत ही अच्छी तरह से हाथ भी, वो कॉस्मेटिक सर्जरी भी करती है। उसके सक्सेस के पीछे मैं मेहनत रहा है बचपन में, रहा बाद में नहीं रहा, बचपन से है अभी भी है ऐसा कुछ नहीं। ज़्यादा इस 10th स्टैंडर्ड तक था, बाद में उनका खुद की जिम्मेदारी। एक लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे तमाम गेस्ट आ रहे हैं, तमाम आपके रिलेटिव आ रहे हैं जो भाग्यश्री को बेस्ट विशेष दे रहे हैं, इनके फ्यूचर के लिए विशेष दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उनको? क्या करना बोल सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? तमाम गेस्ट यहाँ पे आ रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उसने उसका जो टैलेंट है सोसाइटी की तरफ उसने वो यूज करना चाहिए। ये रॉनी रॉड्रिक्स वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड एंड डिवोटेड टुवर्ड्स द सोसाइटी, और सबको हमेशा सपोर्ट करने वाले रॉनी सर है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।